हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। ये देखिए गाइस, मूंग दाल के रस बड़े या फिर मूंग दाल के रसगुल्ले कितने प्यारे कितने यम्मी। देखिए आप लोगों ने खोया के और दूध पाउडर के आटे के हर किसी के रसगुल्ले खाए होंगे, मगर मूंग दाल के रसगुल्ले नहीं खाए होंगे जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनते हैं। तो आप लोग चलिए हमारी ये रेसिपी देखिए और बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं मूंग दाल के रसगुल्ले। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के बड़े या फिर आप मूंग दाल के रसगुल्ले भी बोल सकते हैं। यह साउथ इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ये हमने एक कटोरी दाल ले ली थी, एक मिनट, ये देखिए गाइस, ये एक कटोरी हमने दाल भिगो दी थी जिसको 5 से 6 घंटे भिगोने में लगा। तो उसको भिगो के हमने ग्राइंडर से में ग्राइंड कर लिया है। और ये हमने लिया दूध पाउडर, तो देखिए इतनी थिकनेस की होनी चाहिए, ठीक है, मगर अभी इसमें थोड़ा सा मावा जैसा फ्लेवर आए, क्योंकि देखिए इसमें मावा भी डाल सकते हैं आप, पनीर भी डाल सकते हैं, बट हम डालेंगे दूध पाउडर। आपने ऐसी रेसिपी बिल्कुल नहीं देखी होगी यूट्यूब पर, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल भी बिना पानी के ही इसको हमें पीसना है। तो इसमें हम डालेंगे दूध पाउडर, पहले हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, 2। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें देखिए दूध पाउडर डालने से ना दो फायदे हैं, एक तो इसमें जो पानी की मात्रा होगी वो भी बराबर हो जाएगी, दूसरा इसमें बाइंडिंग मिलेगी इसको, ठीक है, और तीसरा है कि इसमें मावे की जैसा स्वाद आएगा, एकदम फ्लेवर आएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए अभी थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा हम 2 स्पून और ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये 2 स्पून हमने ऐड कर दिए। अब हमें नहीं ऐड करना है इससे ज़्यादा। और देखिए अब इस तरह का होना चाहिए कि हम चम्मच स्पून से गिरा रहे हैं तो ये गिर रहा है। अब अच्छे से इसको हम कम से कम 2 मिनट के लिए इसको फेंट लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हमने 1 कटोरी चीनी ली है और 1/2 कटोरी चीनी और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए 1/2 कटोरी चीनी और यानी 1.5 कटोरी चीनी हमने ऐड करी है इसमें। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। देखिए गाइस, हमने 1.5 कटोरी चीनी ली थी और हमने 1 कटोरी पानी ऐड किया है और थोड़ा सा और ऐड करेंगे। देखिए पूरा 1.5 नहीं लेकिन थोड़ा सा करेंगे ऐड। अब इसकी हम बनाएंगे चाशनी। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि ये चाशनी बनने के लिए रख दी है, तो उसको ऐसे चलाते हुए अच्छे से चाशनी बना लेंगे। ये देखिए गाइस, इसको फेंटना है और इतना फेंटना है कि ये खूब खूब लगे जैसे कि फूल गया है। अच्छे से देखिए एक ही साइड में फूल मतलब बनाएंगे जैसे कि एयर अच्छे से आ जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर, ये देखिए जैसे ये बबल्स हैं, ये बबल्स आ जाए और एकदम चेंज हो जाए। और देखिए गाइस, इस तरह से करने से इसकी आवाज आ रही है जैसे कि ये फूल चुका है, इस वजह से ये हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने अपनी फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। आप चाहे घी में बनाएं या फिर रिफाइंड ऑयल में या फिर किसी भी चीज में बनाएं, लेकिन कोई ऐसे ज्यादा फ्लेवर वाला ऑयल ना हो जिसकी स्मेल आए, जैसे कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसमें ज्यादातर महक आती है। उसको तो हम कढ़ाई हो जाती है फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम थोड़ा सा एक ड्रॉप डालेंगे और देखेंगे ये हमारा कढ़ाई का ऑयल हो चुका है या नहीं। तो अभी नहीं हुआ है, देखिए अभी ऊपर नहीं आ रहा है। जब ये डालते ही ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई हो चुकी है। तो अभी हमारी कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में। ये देखिए गाइस, हमारी चाशनी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको ऐसे उंगली में लगा के देखेंगे तो ये चिपचिपी सी लगने लगे, तो इसका मतलब हमारी चाशनी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, सूखा येलो कलर है, ठीक है, 1 पिंच है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। और ये देखिए हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आपके पास केसर के धागे हो तो वो ऐड कर लीजिएगा, फूड कलर हो वो ऐड कर लीजिएगा, या इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप चलते हैं, इसमें इलायची डालेंगे और हमारी चाशनी तैयार है। ये देखिए गाइस, अब हमारा बैटर भी हो चुका है, तो इसमें अब हम थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ऐसे, और ये जितने एक बार में आ जाए उतने ही डालने, ज्यादा नहीं ऐड करने हैं। ये देखिए इस तरह से, अब इनको धीमी आंच पर सेक लेंगे। ये देखिए गाइस,
अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है, ये देख सकते हैं आप। तो इनको अब हम डायरेक्ट इसी से निकालकर चाशनी में ऐड करेंगे, और चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, अगर ठंडी हो गई है तो उसको आप गर्म कर सकते हैं। ये देखिए हमने तुरंत चाशनी में डाल दिया है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इनको चाशनी में पड़ा रहने देंगे। चलिए दूसरे सीखते हैं। ये देखिए गाइस, जितने भी रसगुल्ले थे सारू ने चाशनी पी ली है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सी चाशनी बची है इसमें, ठीक है। और कोई दो से तीन घंटे रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, ऐसे ही खाने पे बहुत टेस्टी लगेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये चाशनी होती है उसको सोक कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए बस दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से पीसी हो और अच्छे से फिटी हो, ठीक है। और अगर हम जैसे कि दूध पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या है नहीं, तो आप उसकी जगह पर आप बेसन भी डाल सकते हैं। वैसे तो आप दाल को बिना पानी पीसें, ठीक है, बिना पानी के पीसें। और अगर थोड़ा बहुत बैटर आपको लगे कि गीली सी है तो उसमें आप बेसन डाल दें, और या तो सूजी आप ऐड कर लें, और हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये रहे आज की रेसिपी, चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा बिल्कुल रसगुल्ले, मूंग दाल के रसगुल्ले या रसबड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो हमने इन्हें चांदी के वक्र से सजाया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट या किसी से भी सजा सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक आपको हम सर्व करके भी दिखाते हैं कि कटने के बाद कितना जूस इसमें होता है, देखिएगा। और बहुत आसानी, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए कितना जूस निकल रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखिए कितना जूस इससे निकल रहा है। तो आज की हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत ट्रेडिशनली कितना अच्छे से बनी है, ये देख सकते हैं। और आप हमारी ये रेसिपी ट्राई करिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।